हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इसका डिफरेंस मैंने लिखा है, पहले ये देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करके तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट क्या है, चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, ऐसे चेंज जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, यानी कि जिस चेंजेस में, जिस बदलाव में केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी मैटर की, किसी मटेरियल की चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। और फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर वो चेंज हुआ है तो उसको हम बैक भी कर सकते हैं, यानी कि जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में वापस भी ला सकते हैं, जैसे आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, ठीक है। और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो चीज़ बदल गई है तो उसको वापस उसी सेम चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें क्या है, नया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता। अगर वुड है तो वुड ही रहेगा, पेपर है तो पेपर ही रहेगा, चौक है तो चौक ही रहेगा, ठीक है, बस उसका शेप साइज कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बनता है। और इसमें क्या है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इसमें एक या एक से भी ज़्यादा क्या बन सकते हैं, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तोड़ के उसको काट काट के छोटा कर दो, बस वो छोटा या बड़ा ही हो सकता है, यानी कि बड़ा पेपर था उसको हमने काट के छोटा कर दिया, साइज़ चेंज हो गया, लेकिन पेपर तो पेपर ही रहेगा, बड़े वाले को भी हम पेपर बोलेंगे और छोटे वाले को भी हम पेपर बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से कटिंग ऑफ वुड, वुड भी जैसे बड़ी सी लकड़ी है उसको तोड़ तोड़ के तुम छोटी लकड़ी कर दोगे बस, मगर लकड़ी लकड़ी रहेगी, वुड वुड ही रहेगी, ठीक है, केवल उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। ऐसे ही क्रशिंग ऑफ चॉक स्टिक, हम तुम्हारे स्कूल में चॉक होती है उसको अगर तुम क्रश कर दो, पैर के नीचे दबा के उसको क्रश कर दो, तो क्या होगा, चॉक पाउडर बन जाएगा, मगर चॉक ही रहेगी ना, ठीक है। इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग ऑफ आइस और वैक्स, यानी कि आइस पिघलना, पिघल के क्या बनेगी, पानी बनेगी, पानी को वापस फ्रीज कर दोगे वापस आइस बन जाएगी, ठीक है। तो ये सेम रहेगी, पानी ही रहेगा, या वैक्स, वैक्स जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को पिघलाओगे तो क्या बन जाएगी, पिघल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, और फिर जब उसको थोड़ी देर बाद देखोगे तो वापस वो जम के यानी सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, यानी वैक्स बन जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल चेंजेस में क्या है, कोई नया चीज़ नहीं बनती है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और केमिकल चेंजेस की एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयले को जला दो, रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन। रस्टिंग क्या है, जंग लगना, जैसे लोहा जो होता है, हमारे लोहे का कोई भी चीज़ है, साइकिल है कि कोई गाड़ी है, अगर वो बारिश में और हवा में यानी बाहर हमारे पड़ी रहती है तो क्या हो जाता है, उसमें एक जंग लग जाती है, उसको कहते हैं रस्टिंग लग गई, ठीक है, रस्टिंग हो गया, यानी कि रस्ट लग गई, जंग लग गई। इसी तरह से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई भी मेटल है, सिल्वर का है या कोई भी चीज़ का है, तो वो थोड़े दिनों बाद क्या देखते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की, तो वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी रिएक्शन हो जाता है उसका सराउंडिंग के साथ में, ठीक है। अभी इसी को हम क्लियरली थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि सब्सटेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। बड़ी सी अगर वुड है, हमने इसको काटा छोटे 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 पीसेज में काटा, लेकिन इसको भी हम वुड बोलेंगे, इसको भी वुड बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ इसका, एंड साइज चेंज हुआ, शेप एंड साइज चेंज हो गया। यानी कि हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, शेप एंड साइज ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, यानी उसमें शेप चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया, मटेरियल तो वही का वही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइस, और आइस को हमने बाहर रख दिया तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया, तो इसमें क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हो गया। स्टेट मीन्स इसका सॉलिड स्टेट था, अब ये लिक्विड स्टेट बन गया, यानी स्टेट चेंज हो गया, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा।
केमिकल चेंजेस को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। सपोज़ ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इसको किससे पकड़ना है, एक ऐसी इंसुलेटर जिसके पीछे लगाओ जिसमें हीट हमें ना लगे, ऐसा कुछ एक हमारा इक्विपमेंट लेंगे, उससे उसको पकड़ेंगे, ठीक है। रिबन को पकड़ेंगे और मोमबत्ती के ऊपर फ्लेम पे उसको केवल टच करेंगे, जैसे कि हम फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी में क्या करते हैं, मोमबत्ती के ऊपर केवल उसको थोड़ी देर रखते हैं फिर हटा लेते हैं। वैसे ही करना है कि मैग्नीशियम रिबन को पहले फ्लेम के ऊपर लेके जाना है और उसको टच करना है, जैसे ही वो फ्लेम पकड़ ले उसको कहाँ लेके जाना है, एक डिश के ऊपर उसको बर्न करना, ऐसे करके रख के बर्न करना है, जिससे कि वो बर्न होएगा। मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो उसकी राख बन बन के एक डिश में कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर होता है, एक पेपर होता है ऐसे खुरदरा खुरदरा जिसके ऊपर दाने 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 होते हैं, जिससे कि उसको ऐसे से रब करना है, रिबन को रब करना है। क्यों रब करना होता है, ताकि उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो हम हटा दें। हमें क्लियर एक्सपेरिमेंट पता चले कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है सैंड पेपर से। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल, उसकी टिप को कैंडल के पास लेके जाना है, और जैसे ही वो उसमें आग पकड़ ले उसको हटा देना है, वहाँ से हटा के और जलते हुए उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो हम क्या देखेंगे, इट बर्न्स विद वाइट लाइट, जैसे वो फुलझड़ी जलाने पे एक उसमें वाइट स्पार्क्स निकलते हैं, वाइट लाइट निकलती है, वैसे ही रिबन में से भी, मैग्नीशियम रिबन में से वाइट लाइट निकलेगी, ठीक है। वाइट कलर की स्पार्क निकलेगी, लाइट निकलेगी, चमक निकलेगी, ठीक है। और फिर जो ऐश होएगी, उसकी जो राख होएगी, उसको हम कलेक्ट करके देखेंगे कैसी है। तो उसकी राख कैसी होगी, उसका कलर भी वाइट कलर का होगा। तो ये क्या हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो था वो चेंज हो गया मैग्नीशियम की राख में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज, यानी इसमें पहले ही ऐसा था और अब ऐसा हो गया, यानी कि ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसको हम रिएक्शन में कैसे लिखते हैं वो देखो, मैग्नीशियम Mg हमारा जो है इसका सिंबल फॉर्म होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को हम जैसे हम निकनेम लगा लेते हैं किसी भी चीज़ का, बड़े बड़ा नाम होता है, हम निकनेम लिख लेते हैं, उसी तरह से मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रूप में हम साइंस में Mg लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आया, हवा में से आया, बिना ऑक्सीजन के कोई भी बर्निंग प्रोसेस होता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम को जलाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की हमने, ऑक्सीजन यूज़ की, कहाँ से यूज़ की, हवा में से, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिल गए तो क्या हुआ, बर्न हुआ, और बर्न होने के बाद वो क्या बन गया, राख बन गई, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO, ये Mg है, ये MgO है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जो पहले था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, दोनों डिफरेंट चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख है उसको थोड़ा सा पानी में मिला देंगे, यानी कि थोड़े पानी लेंगे, वाटर लेंगे, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हमारा पानी बन जाता है, और उसको हमने पानी को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि थोड़े से राख जो बची थी हमारी मैग्नीशियम की, वाइट कलर की जो राख थी, उसमें मिक्स किया। मिक्स करते ही वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसका फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। अब उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg और ब्रैकेट OH2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जिस भी चीज़ में होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, इट इज़ अ बेस, यानी इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिटमस पेपर चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि रेड लिटमस पेपर जो होगा, रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा ब्लू में। ब्लू में क्यों टर्न होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का बेस है, ये बेसिक नेचर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम समझ जाएंगे कि ये एक बेस है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एक्सपेरिमेंट लेके केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे, जैसे रस्टिंग है, ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट लेंगे कॉपर सल्फेट का, जो बुक में लिखे हुए हैं ये सारे मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो इजीली मिल जाए।